लगे हुए थे, कितने सभा पर गंभीर आरोप लगाए गए, वो तो लोकल है वहां पे, सच क्या है बता देते। नहीं सच नहीं, हम बता देते हैं ना, हम ही बता देते हैं, वो बात पुरानी है और उसके लिए जो न्याय करेगा, न्यायालय से जो न्याय होगा उसके पक्ष में हम सब लोग हैं। अगली चीज समाजी कानून व्यवस्था, क्राइम कंट्रोल कितना बड़ा मुद्दा रहेगा आगामी चुनाव में। अभी कल भी दो बदमाश मारे गए लखनऊ में, जो आजमगढ़ के थे, बताते थे रांची में बीजेपी नेता का मर्डर करके भी आए थे वो, ये कितना बड़ा होने वाला है मुद्दा, या आप कुछ कहना चाहते? मुझे खुशी है इस बात की कि कानून और लॉ एंड ऑर्डर पे आप पूछ रहे हैं सवाल। क्या भारतीय जनता पार्टी ये बता सकती है कि किसान लाइन में खड़ा खड़ा मर गया, किसान को खाद नहीं मिली उसने आत्महत्या कर ली, सबसे ज्यादा महोबा में किसानों ने आत्महत्या की, 600 से ज्यादा किसान तीन कानून वापिस हो जाए उसके लिए जान चली गई जिनकी, और एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश की परफॉर्मेंस कहां है, एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है, आप वर्स्ट स्टेटों में खड़े हैं और ह्यूमन राइट का सबसे ज्यादा नोटिस अगर किसी को मिली हो तो प्रदेश सरकार को मिली है। क्या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने नहीं सबसे ज्यादा नोटिस दी यूपी सरकार को, और किसने ये तस्वीरें नहीं देखी कि बताओ गृह राज्य मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी हो किसानों पर, कुचल दिया हो किसानों पर, ये सब कुछ इसलिए हो रहा कि ध्यान हटा दो। ये सब इनकाउंटर लॉ एंड ऑर्डर को बेटर करने के लिए नहीं है, ये केवल ध्यान हटाने के लिए है। असली लॉ एंड ऑर्डर होता तो डायल 100 को बेहतर करते, केवल बाबा मुखर्जी ने किया डायल 100 को डायल 112 कर दिया। कौन सी चीज बदल गई बताओ, आप ही बताओ क्या बदल गया उसमें। और जो अच्छी गाड़ियां थी वो बाबा मुखर्जी जी खास लोगों ने गाड़ियां छीन ली कि कहां ले जा रहे हो डायल 100 की गाड़ी, लाइए इधर रंग बदलो, और चला रहे हैं उनको रंग बदल के चला रहे हैं, सोचिए खुद। तो बेस्ट रिस्पॉन्स सिस्टम जिस सरकार ने दिया हो, न्यूयॉर्क की पुलिस जिस तरीके से काम करती है, जिस तरीके से उनका रिस्पॉन्स सिस्टम काम करता है, उसी तरह का रिस्पॉन्स सिस्टम लखनऊ में बनाया गया था, और पुलिस को बेहतरीन गाड़ी दी गई थी जिससे समय पर पहुंच जाए और समय पर मदद हो जाए गरीब की, पीड़ित की, उस व्यवस्था को खराब कर दिया। और अगर इसी से लॉ एंड ऑर्डर बेटर होता तो इनके सांसद लोग कुटे होते, कुट गए सांसद इनके, कूटे गए सांसद, ये लॉ एंड ऑर्डर है। लेकिन सर वो बता रहे हैं कि पहले आप, अरे लॉ एंड ऑर्डर ये है कि सांसद कूटे जा रहे हैं। दूसरा कुछ, जो बीजेपी के विधायक, बीजेपी के विधायक टिकट काटेंगे, आप टिकट उनको देंगे, बीजेपी जिनके टिकट काटे, इसीलिए तो मैंने कहा कि 150 ज्यादा टिकट कटेंगी, 100 नाराज हैं और 50 विधायक हम पड़ेंगे तो कितने हो गए। सर आपके संपर्क लगा रहे हैं, आपके संपर्क में कितने विधायक हैं बीजेपी के, पहले से बीजेपी का कमजोर है। पूर्वांचल की जनता ने और जो साथी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे वो अब समाजवादी पार्टी के साथ हैं, उनके सभी सहयोगी साथियों ने मन बना लिया है कि जिस दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी घुसी थी उस दरवाजे को वो बंद कर दिए हैं। कई जगह आप पता कर लोगे प्राइवेट कंपनियों को लाभ ज्यादा है, गरीब की मदद कम है, आंकड़े निकालिए आप। जब वो अपने ही सांसद की नहीं सुन रहे तो हमारी आपकी कौन सुनेगा। अभी आप मतभेद की बात कर रहे थे, वहाँ अमित शाह ने यह क्लियर किया है अभी जाकर, इससे पहले तमाम बातें हो रही थी कि योगी आदित्यनाथ ही 22 में मुख्यमंत्री बनेंगे अगर सरकार होगी, अभी इसके पहले कुछ नेता उनके ये कहते थे कि विधानसभा चुनाव होगा, उनका क्या होगा जो स्टूल पे बैठे थे। स्टूल वालों का क्या होगा,